जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, मैं आपका दोस्त दागुरु आपके अपने चैनल दागुरु वी लर्न में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको जो भी मनोविज्ञान के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक वन लाइनर के रूप में लेके आए हैं। और ये जो वीडियो है, ये जो PDF है, वो टैट, सुपर टैट और सी टैट तीनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और आपको इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम जो भी मनोविज्ञान के जो प्रमुख तथ्य हैं उनके बारे में। तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहोगे। ये कथन किसका है? ये जेबी वॉटसन का है। ये भी पूछ लिया जाता है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, डॉक्टर, पुलिस, वैज्ञानिक, कुछ भी बना सकता हूँ। ये किसने कहा है? तो ये कहा है वॉटसन ने। ये कथन वॉटसन का है। किशोर अवस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा है? ये स्टैनले हॉल ने कहा है। ठीक, तूफ़ानी अवस्था किसने कहा है? ये कहा है स्टैनले हॉल ने। किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये जो कथन है वो किसका है? रॉस का है। और ये किस लिए कहा जाता है? कि जो शारीरिक वृद्धि है वो सबसे ज़्यादा तो शैशवावस्था में होती है। जो मानसिक वृद्धि होती है वो भी शैशवावस्था में होती है, लेकिन किशोरावस्था में ये अपनी उच्चतम सीमा पे होती है। क्या? शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि। इसीलिए इसको किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। किसने कहा है? रॉस ने। गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन है? ये बर्दिमर है। आगे का है, दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है? दूध के जो दांत होते हैं उसकी कितनी संख्या होती है? 20 होती है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी हुई है? ये 5 अक्टूबर 1981 से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना प्रभावी हुई है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह अपने 4-5 वर्ष के में बन जाता है। ये किसने कहा? ये फ्राइड ने कहा, सिगमंड फ्राइड ने। जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला या शिलान्यास करता है। ये किसने कहा? ये कहा स्ट्रेंग ने। किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है? स्वर्ण काल किसको कहा गया है? बाल अवस्था को कहा गया है। बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल है। अनोखा काल किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने कहा है। ये ब्रूस है, कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। ये कहा है रूसो ने। रूसो कौन थे? प्रकृतिवादी थे। कौन थे? प्रकृतिवादी। नेचुरल, ये इसका होता है नेचर स्पेलिंग और इसका होता है इज्म, नेचुरलिज्म कहा जाता है। तो ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है। एक और है महात्मा गांधी जी, उनका एक कथन है महात्मा गांधी जी का कि यदि हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो हम स्वयं ही नष्ट करेंगे तो हम स्वयं ही ठीक स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। ये किसका कथन है? ये है गांधी जी का। महात्मा गांधी जी का कथन है यदि हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो हम स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे।
ठीक है। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? ये कहा है को क्रो एंड क्रो ने। सीखने का अनोखा काल कहा है शैशवावस्था को, और जीवन का अनोखा काल जो कहा है वो बाल्यावस्था को कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है याद करने में, कि सीखने का अनोखा काल कहा है शैशवावस्था को और जीवन का अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को। ये किसने कहा है? ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। सही कह रहा हूँ मैं? कोल एंड ब्रूस ने कहा है ये। जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने। आगे मैंने आपको बताया भी था क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है। ग्रो गैंग की अवस्था किसको कहा गया है? बाल्यावस्था को ही ग्रो या गैंग की अवस्था या डल्टी एज कहा गया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और शैशवावस्था, इन तीनों की जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जो वन केवल दो दो तीन तीन शब्दों के बारे में बताया गया, वो वीडियो आप अवश्य देखें। उसमें अवस्था से संबंधित बहुत सारे हमारे जो डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको वन लाइनर के रूप में, अपने हस्तलिखित रूप में मैंने आपको उसमें बताया गया है। आप वो वीडियो अवश्य देखें। तो बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है, ये किसने कहा है? तो कोरा बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट, ये किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। बालक को मस्तिष्क कोरा कागज होता है, ये किसने कहा है? बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह कथन है प्लेटो का। लेकिन बालक का मस्तिष्क कोरा कागज, कागज आ जाए वहाँ पे क्या है, लॉक से लगाएंगे, और स्लेट आ जाए तो प्लेट से लगाएंगे। ठीक, ये एक ट्रिक है। स्लेट आ जाए तो प्लेट यानी प्लेटो, और कागज आ जाए तो लॉक। ठीक, तो मस्तिष्क को कोरा कागज स्लेट किसने कहा है? ये कहा है प्लेटो ने। और मस्तिष्क को कोरा कागज किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा है। बालक का मन कोरा कागज है, ये किसने कहा है? ये कहा है रूसो ने। देखिए, तीन तरीके के आपको मिल गए हैं अभी यहाँ पे। अगर बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट कहा गया तो स्लेट से प्लेट याद रखना है, कागज कहा गया तो लॉक याद रखना है। अब मन, लेकिन यहाँ था मस्तिष्क, ठीक। अब यहाँ पे मन किसका है? मन कोरा कागज है, तो ये किसका है? रूसो का है। मन अगर आए तो रूसो से लगाएंगे। ठीक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये कहा गया है अरस्तु के द्वारा। यह बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो चुका है ना, अधिकतर लोगों को पता होगा। मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु को ही कहा गया है। बाल मनोविज्ञान के जनक किसको कहा गया है? पेस्टोलॉजी को। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को कहा गया है। अधिगम मनोविज्ञान के जनक एविंग हॉस को कहा गया है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, शायद ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें एक साथ में आपको बताया गया है, आपको सीखने में सहायता प्रदान करेगा। अब एक ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोरा स्लेट वाला और कोरा कागज वाला और मन कोरा कागज, ये ठीक। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल का नाम है दागुरु बी लर्न। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये विलियम जेम्स हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक हैं विलियम बुंट हैं। तो जो विश्व की पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला है वो कहाँ खोली गई थी? जर्मनी के लिपजिंग शहर में। ठीक, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये कहा गया है जॉन डीवी ने। कौन कौन है हो जाते हैं इसमें?
एक हो जाता है शिक्षक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में, दूसरा है पाठ्यक्रम, और जो तीसरे हैं इसमें बच्चे या छात्र। ठीक, ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा गया है जॉन डीवी ने, लेकिन शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया की किसने कहा है, जॉन एडम्स ने कहा है, इसमें पाठ्यक्रम शामिल इन्होंने नहीं किया था। ठीक, शिक्षक और छात्र को ही शिक्षा को शिक्षा के जो महत्वपूर्ण तत्व में सम्मिलित किया था जॉन एडम्स ने। ठीक, तो जो द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा है वो जॉन एडम्स ने कहा है, लेकिन त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है, जॉन डीवी ने कहा है। ठीक, मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये ब्लूम्स के द्वारा कहा गया है, त्रिध्रुवीय और त्रिमुखी प्रक्रिया। ठीक, लेकिन ये किसको कहा गया है, मूल्यांकन को किसने कहा है, ब्लूम्स ने। वंशानुक्रम और माता पिता, ठीक, से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम जो है माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, वंशानुक्रम है जो माता और पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं संतान को, उसका नाम वंशानुक्रम कहा है। किसने कहा है, ये रूथ, क्या नाम है इनका पूरा, रूथ बेनेडिक्ट, रूथ बेनेडिक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको जल्दी नहीं मिलेगा आपको। ठीक, ये आप अपने नोट करके रख लीजिए, वंशानुक्रम माता और पिता से संतान। वंशानुक्रम क्या होता है, जैसे माता पिता से जो गुण बच्चों को मिलते हैं वो ही वंशानुक्रम है, ये किसने कहा है, रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा कहा गया है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, सीखने का अनोखा काल किसने कहा था, कोलैंड ब्रूस ने, लेकिन किसके लिए कहा गया था, वो कहा गया था बाल अवस्था के लिए। आप शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, वैलेंटाइन ने। ठीक, मनोवैज्ञानिक फ्राइड जो थे, मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने स्वप्रेम की भावना नासर्जिम किस अवस्था के लिए कहा है, शैशवावस्था के लिए। ठीक, मनोवैज्ञानिक जो फ्राइड थे उन्होंने स्वप्रेम की भावना नासर्जिम किस अवस्था के लिए कहा गया था, यह शैशवावस्था के लिए कहा गया था। वृद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व क्या हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, यानी वृद्धि और विकास में जो सहायक होते हैं या तो वो किसके द्वारा होते हैं, वंशानुक्रम या वातावरण के द्वारा, इसी के द्वारा व्यक्ति में वृद्धि या विकास होता है। वृद्धि और विकास के बारे में बता दूं, जो वृद्धि है वो क्या होती है, शारीरिक होती है। ठीक, ये वृद्धि को हम देख सकते हैं और होते हुए, और इसमें विकास में क्या होता है, ये मानसिक होती है। इसके बारे में आपको बता दूं, जो वृद्धि है वो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनका मापतौल किया जा सकता है। ठीक, लेकिन विकास है उसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक, विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन वृद्धि जो होता है वो केवल मात्रात्मक होता है। ठीक, वॉटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से हैं, तीन प्रकार के वॉटसन ने तो मूल संवेग बताए थे, भय, क्रोध और प्रेम। ठीक, शैशवावस्था में पूर्ण मानसिक मस्तिष्क का विकास, जो शैशवावस्था है उसमें मस्तिष्क का विकास कितने परसेंट तक हो जाता है, 90% तक हो जाता है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, ये कथन है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक ने किस पे अपना प्रयोग किया था, बिल्ली पे, और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इन्हीं का ही सिद्धांत का नाम है। ठीक, वो आप हमने जो पिछली वीडियो है उसमें थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और कॉलर चारों के सिद्धांत के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।
सामवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है? ये होता है शैश अवस्था में। दोहरा कारक सिद्धांत किसने है, किसने कहा गया है? फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दोहरा कारक का सिद्धांत दिया है। द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। दोहरा कारक सिद्धांत नाम ध्यान आप रख लीजिए, कभी कभार अगर ये आ जाए तो आप स्पीयरमैन लगा देंगे तो जो गलत हो जाएगा। द्विकारक का सिद्धांत है स्पीयरमैन का और दोहरा कारक का सिद्धांत है फ्रेडरिक हर्जबर्ग का। अधिगम का हृदय एवं स्वर्ण पथ किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को। अधिगम का हृदय एवं स्वर्ण पथ अभिप्रेरणा को कहा जाता है। स्कीनर के अनुसार क्या कहा गया है? अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये स्कीनर के द्वारा कहा गया है। स्कीनर ने अपना सिद्धांत किस पे प्रतिपादित किया था, किस पे इन्होंने प्रयोग किया था स्कीनर ने? मैंने एक ट्रिक बताई थी, थॉर्नडाइक की बिल्ली मर गई पावलोव के कुत्ते पर, स्कीनर का चूहा मर गया। तो ये किसने? चूहा। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? चूहे पे किया था। ठीक, थॉर्नडाइक की बिल्ली मर गई पावलोव के कुत्ते पर, स्कीनर का चूहा मर गया कोलर के चिंपैंजी पर। ठीक, ये ट्रिक आप हमारी बहुत सारी मैंने छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में जो जो मैंने बताया है आप वीडियो देख सकते हैं। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये कहा गया था स्किनर के द्वारा। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे। ठीक, 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है, क्रो एंड क्रोने पीछे मैंने बताया था। किस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होता है? शैश अवस्था में होता है, बहुत तीव्र गति से। लेकिन अपने उच्चतम स्तर पे कब होता है, यानी सर्वाधिक कब हो जाता है? किशोर अवस्था में। जलोटा परीक्षण शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, जो 12 से 14 वर्ष के अंतर्गत बच्चों पे किया जाता है। उस परीक्षण का नाम पूछ लिया जाता है जलोटा परीक्षण। 12 से 14 वर्ष की अवस्था में जो परीक्षण किया जाता है जलोटा परीक्षण कहलाता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है इसको। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, कि किसका कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंच व क्रचफील्ड के द्वारा ये कथन दिया गया था, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। ठीक, तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तागुरु वी लर्न को, और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मनोविज्ञान, गणित, पर्यावरण की बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है केवल उनको ही बताया जाता है, और बहुत अच्छी तरीके से बेसिक से लेके आपको बताया जाता है। ठीक, किसने कहा कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है? ये श्री अरविंदो ने कहा था। किसने कहा था? श्री अरविंदो ने। क्या कहा था? शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है। ठीक, संप्रेक्षण के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। अब इस पे कुछ हमारे प्रश्न हैं, वो प्रश्न आपको बाद में बताए जाएंगे। ठीक, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी और भी वीडियो आ चुकी हैं, आप उसको देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज की वीडियो हम अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, बल्कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं हमारी उस प्रश्न को, जो बहुत यूनिक होता है। सभी वीडियो के अंत में हम एक प्रश्न देते हैं, उस प्रश्न को आप देखते हैं, सर्च करते हैं, तो आपको बहुत ही नॉलेज उससे प्राप्त होती है। तो चलिए, आज अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं, और जो घंटी का साइन है इसको आप टच कर दीजिए,
जिससे जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँगा तो आप पे प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।